ಮುಖ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಂತ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇ जो स्मार्ट सिटी के नाम से जाने जाते हैं। जहाँ दोस्तों देखिए कितनी डीप जो है यहाँ पर एक सेटअप हो रहा है। एक मासूम बच्चा जो आज यहाँ पर गिरकर देखिए रोड की जो हालत है, कितना डीप में जो है ये गड्ढा खोदा है, उसको छोड़ दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो है इंसान नहीं रहते। अगर यहाँ पर इंसान रहते, अगर यहाँ पर कोई ऐसे शख्स रहते जिनमें जान बाकी है तो ये जो है रोड को बनाया जाता, लेकिन इंसान तो है नहीं। यहाँ पर बच्चे रहते नहीं है, सब बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, BMW में, मर्सिडीज बेंज में, जैगवार में यहाँ पर घूमते हैं। इसलिए जो है इसको जो है फाइव स्टार तरह रोड बनाया गया। देखिए रोड की हालत किस तरह से है और जितने बार कंप्लेन किया गया है कोई रिस्पॉन्स नहीं। जो भी मोहल्ले के लोग हैं यहाँ वो डेली फोना भी करी, डेली BWSLD BBMP ऑफिस और यहाँ तक के MLA को भी फोना करी। उन्होंने नहीं, मैं बर्थडे है मेरा, उसमें बिजी हूँ, उनको बोल डाले, तो उसकी वजह से यहाँ काम नहीं हुआ है। बच्चे का कहा गिर को हाथ टूट गया है, इसका कौन जिम्मेदार? जब भास्कर प्रसाद को हमें बुला लगा अजमेर से इलेक्शन के वास्ते, PR कराने के वास्ते बुला लगा, तो इन्होंने पूरा उठा को कंप्लेंट अंदर नहीं, पूरे पुल के श्रीनगर में कंप्लेंट इच्छे, पानी का रंधे मसला मोरिया का भी, मगर यहाँ के जो MLA, यहाँ के जो भी जिम्मेदार हैं इन्हों यहाँ इतना छमना घर को रखी, सो पानी नहीं होना, पानी को लड़ने करना, मोरिया को लड़ने करना, इतने के अवस्था रख डाली। तुम्हें अच्छे गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं मांग सकते, MLA करने पुलिस में ड्यूटी नहीं मांग सकते, मिलिट्री में ड्यूटी नहीं मांग सकते, खाली तुम्हें मोरिया और पानी के अवस्था लड़ने करो। 10 साल पहले से भी जो हालत थी वो भी आज ये चलता है। इनो MLA बना को हमें जो भेजी, इनो हमारा काम करने नहीं, इनो बिजनेस करने, आप देख रहेगा जैसे बिजनेस को इनको अवार्ड सब दिए, इनो बिजनेस करने वाले जाको फॉरिन में कर लेना, 10 साल से बहुत कमा खाई, 300 करोड़ का हिसाब भी देना है। बस कर सब पूछ रही हूँ, मगर हमें क्या चाहती लोग कर ले, बस करो इनको, दाल को जाकर विधानसभा में खामोश बिठाने के वास्ते वोट मत डालो, हमारे हक की बात करने के वास्ते MLA भास्कर प्रसाद को दाल को अंदर भेजो विधानसभा में, तुम्हारे इशुओं को सब बात करती, यहाँ जाको मुंह सी ले को जो कांग्रेस पार्टी की बात सुन ले, बैठने के वास्ते मत भेजो। ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೇನೆ ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಇವ್ರು ಮಾಡೋರು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೇನೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು, MLA ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ, ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು सब अंख्या वाले रहती क्या? अंख्या नहीं सदमे में रहती ना, हंदे को रहती ना, उन्हों कैसा आना जाना, सब जवाना रहती क्या, बूढ़े भी होती ना, उन्हों कैसा आना जाना, ऐसे गलियां की हालत ऐसा करदाल करने चले गए तो हमें जीना सो कैसा, इनको खाली हमें वोट देने के वास्ते इंसाना बन को तो हमारा मसलत क्या भी हल होता नहीं है, हमें भी बोलने का बोलती, सुनने का सुनती, उसके बाद कहाँ क्या करना करती। यहाँ पर MLA तो चलते फिरते नहीं है, MLA के लोग यहाँ पर आते नहीं है, आते तो है वो जो गरीब है, उन लोगों के बच्चे हैं, देखिए बच्चे की हालत कैसा, गिरे से कहाँ गिरे से घड़े में, देखिए कहाँ कहाँ गिरे कैसा गिरे, जोर से बोलो बोलो बेटे, क्या हुआ अभी तुम्हें गिरने की वजह से बच्चे की हड्डी टूट गई, अब जिम्मेदार कौन, खर्चा कौन, माँ बाप के पास पैसा नहीं। देखिए रोड की हालत देखिए, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, देखिए हालत आज पुलिकेशी नगर के मोदी रोड के पास किस तरह की हालत है। और अब असेंबली इलेक्शन का टाइम है, अब यहाँ पर आएंगे कौन, आएंगे MLA कैंडिडेट्स,
एमएलए कैंडिडेट्स आएंगे आपके पास, आपके घरों में आएंगे। अम्मा कैसी है अम्मा? वो जब बच्चा खेल रहा था, वो जो जल्दी का जो ठोकर लगी, बच्चा गिरा, हड्डी हट गया ना, हड्डी टूट गई। वो हड्डी टूट गई, हमारा काम हमें कर लिया। उसके बाद भी फिर हमें एमएलए को फोटोज भेजे, वॉइस रिकॉर्ड भेजे, मतलब हमारा बच्चा ऐसा गिर को होगा। वो फेस तक मन दूसरे दिन काम चालू करे। जो सैनिटरी का कलेक्शन था, सैनिटरी बनी गई तो ओपन रखने पर सैनिटरी डायरेक्ट हो गया है, एक मसला। दूसरा पाइपन टूट गई। तीसरा जो केबल खम्बे में जो कलेक्शन घरांगे जा गई, वो वैरान टूट गई। और दूसरा दो वो ट्रैक्टर है, सो बुलडोजर है, वो मोरी के चपड़ियाँ टुटको, पूरे क्वार्टर्स की गंदगी। एक तो कोविड टाइम गुजरे सामने से, हम फिर वैसे मंजर में आपको बैठा करके बोले तो किसकी हालत है। हमें छोटे दस को कमक शाम को खाने वाले, अभी सभी ऐसा है तो आने जाने तो क्या करते हैं। ये रोड के जो खुदाई हुई उसके गाड़ियाँ वाले बुलडोजर वाला था, जो इंजीनियर वो इंजीनियर को हमारे भाई लाल में सौ फोन करे, एक फोन उनका भाई भी एमएलए को करते, चार पाँच पाँच फोन बोला नहीं है। जब परसों पानी जो गया, पानी का वीडियो सभी में अन्ना को सेंड कराया हुआ, वो वीडियो उठा उसके बाद में भी एक फोन नहीं आया किसका भी।